वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बनियावे। सिख कौम दे तीजे गुरु, गुरु अमरदास जी दा प्रकाश। वैसाखी सुदी 14 संमत 1436 यानी 5 मई 1479 नो पिंड बासर के जिला अमृतसर विखे पिता तेजपान अते माता सुलक्षणी लक्ष्मी जी दे घर होया। 95 साल तो बाद शरीरक उम्र भोगण उपरांत भादो सुदी 15 संमत 1631 यानी 1 सितंबर सन 1574 नो ज्योति जोत समाए। उसे दिन ज्योति जोत समाउण तो पहला आप जी ने अपने छोटे दमाद भाई जेठा जी नूं गुरियाई दी जिम्मेवारी सौंपी, जिहड़े गुरु रामदास जी दे नाम नाल प्रसिद्ध होए। अपने जीवन काल विच गुरु अमरदास जी ने लोकां विचों जात पात छूत छात नूं बिल्कुल खत्म करन लई हुकम कीता कि जेड़ा ही वी साडे दर्शनां लई आवे उह लंगर विचों प्रसाद जरूर छके। सब लोग बिना किसी वितकरे तो जात पात का भेदभाव खत्म करके इक्को पंगत विच बह के प्रसाद छकदे। अकबर बादशाह ने भी पंगत विच ही बह के प्रसाद छकिया। गुरु जी ने अपने जीवन काल विच सती प्रथा नूं दी रसम नूं बिल्कुल खत्म करन वल खास ध्यान दिता। इस रसम अनुसार इस्त्री नूं अपने मर गए पति दे नाल चिखा विच बह के जिउंदा सड़ना पैंदा सी। गुरु जी ने इस दा डट के विरोध किया। आपने कुंड कंडण दे पर्दे अंदर रहण दे रिवाज नूं भी दूर खत्म किया। संगत विच सब माइया बीबियां खुले मुँह आउंदियां सन। मरण तो मगरों बहुत सारिया भैड़ियां रस्मां कीतियां जांदियां सन। गुरु जी ने सब खत्म करवाइया। जनता दे सुख आराम दे सुच विच पिट ते वहम नूं दूर करके गोइंदवाल विखे एक सांझी बाउली भी बनवाई। आप जी दियां 2 सपुत्रियां सन, बीबी भानी ते बीबी दानी। आप जी ने अपनी सपुत्री बीबी दानी दा व्याह भाई रामा जी साधारण सिख नाल करवाया अते बीबी भानी जी लई घुंगड़ियां वेचण लै वाले यतीम गबरू श्री जेठा जी नूं बिना किसी जात पात ऊंच नीच विचारन ते चुनिया। श्री जेठा जी ने प्रेम सेवा ते भगती वाली रहत नाल गुरु जी नूं अजिहा खुश कर दिता कि वह गुरु अमरदास जी दे गद्दी दे वारस चुने गए। हर प्रीख्या विच जेठा जी पूरे उतरे अते हर तरह की गुरियाई लई योग साबित होए। ज्योति जोत समाउण तो पहला गुरु अमरदास जी ने अपने सारे परिवार नूं अते सिखां नूं बुलाया अते दस्या कि हुण उन्हां नूं अकाल पुरख दा सद्दा आ गया है, इस लई उह सुरखरू हो के अकाल पुरख कोल जा रहे हन। उन्हां पिछे गुरमत अनुसार की रस्मां निभाउणियां हन अते की नहीं करना, इस संबंधी हिदायतां दे के गुरियाई दी गद्दी गुरु रामदास जी नूं सौंप दित्ती। इह गुरु अमरदास जी दा एक अंतिम वसीयतनामा है। गुरु जी वल्लों दसे होए सारे उपदेशां नूं उन्हां दे पड़पोते बाबा सुंदर जी ने कलमबद्ध किया अते गुरु अर्जन साहिब जी नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी संस्थापना करन वक्त उन्हां नूं रामकली साध हेठ सिरलेख के अंदर हेठ किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंक 923 उत्ते रामकली साध सिरलेख हेठ दर्ज है। रामकली राग विच लिखी हुई इस बाणी दा नाम सद है पाओ रब वल्लों गुरु अमरदास जी नूं आया होया सदा। जगदाता सोए भगत वचल तै लोए जियो, गुर शब्द समाए अवर ना जाने कोई जियो। अवरो ना जाने शब्द गुर के एक नाम ते आवे, प्रसाद नानक गुर अंगद परम पदवी पावे। आया हकारा चलण वारा राम नाम समाया, जग अमल अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया। हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रपा जियो, सतगुर करे हर पे बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज राखो हर जने केरी हदे हो नाम निरंजनो,
अंत चलदिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो। सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो। हरतार कृपा सतगुरु मिलाया तन तन कहे साबास जियो। मेरे सिख सुनो पुत पाइयो मेरे हर भाणा आओ मैं पास जियो। हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ भाणा पावे। आनंद अनहद वजे वाजे हर आप गल मैलावे। तुसी पुत भाई परिवार मेरा मन वेखो कर निर्जास जियो। दुर्लिख्या परवाणा फिरे नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो। अंते सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो। के सो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए वे बाण हर रंग गुरु पावे। पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सरन पावे। हर पाया सतगुरु बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुरु पुरख जे बोलिया गुरसिखा मन लई रजाए जियो। मोहरी पुत सनमुख होया रामदासे पैरी पाए जियो। सब पवे पैरी सतगुरु केरी जिते गुर आप रखिया। कोई कार बखीली निवे नाही फिर सतगुरु आण निवाया। हर गुरे पाणा दी वड्याई तुर लिखिया लेख रजाए जियो। कहे सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो। इस बाणी दी विचार तो गल्लां प्रतख रूपी सामने आईया हन कि गुरु अमरदास जी ने गुरु नानक साहिब जी तो चली आ रही रवायत अनुसार अपने जीवंदे जी अपने हत्थी गुरियाई अगले गुरु गुरु रामदास जी नूं सौंपी। ये रिवायत दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक चलती रही। नाल ही इस बाणी दे विच गुरु अमरदास जी ने मृतक प्राणी के पिछों रोण उस दी गति लई कीती जा रहे फोकट करम आदत तों सख्ती नाल रोक लगाई है। देखिया है कि आत्मक शांति लई अपनी ते परिवार दी अते मृतक प्राणी दी आत्मक शांति लई कीर्तन निर्वाण कीर्तन करना है। इस तरह 95 साल दी शारीरिक उम्र भोग के जोत गुरु रामदास जी भी टिका के गुरु जी ज्योति जोत समा गए। गुरु जी ने सेवा दो उपदेश दिता अति क्या गुरु दी सेवा अते सिमरन दे नाल ही जीवन दे विच खुशियां मिलदियां हन। इन्हां शब्दां दे नाल माफ़ी दी जाचक हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।